हाय फ्रेंड्स, सब्जियों के बीज बोने के कड़ी मेहनत के बाद आप आपकी फसल का आनंद लेने का टाइम आ गया है, यानी इनको खाने का समय है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट सब्जियों के गार्डनिंग टिप्स जानेंगे और अपनी फसल को कब काटना है ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। कई सारे जड़ों वाली सब्जियां यानी जमीन के नीचे उगने वाले सब्जियां हम रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रूट्स, बल्ब्स, राइजोम्स या ट्यूबर्स यानी कंद। आमतौर पर जो रूट सब्जियां उगाते हैं, जो जड़ों वाली सब्जियां उगाते हैं, वो है गाजर, मूली, शलगम, प्याज, आलू और कई सारे। तो चलिए हम जल्दी से कुछ साइंस और टिप्स जान लेते हैं इन सब्जियों के। और जो घर पर कंटेनर्स में रूट वेजिटेबल्स उगाते हैं, उनको कैसे और कब हार्वेस्ट करें? तो पहला टिप है टाइमिंग यानी समय। अपने प्लांट्स को ज्यादा देर यानी बहुत दिन तक बड़े होने ना दें, क्योंकि वो सब्जी सख्त हो जाएगी और चबाने के लिए भी नहीं होगा। तो सब्जी को ज्यादा बड़ा होने मत दें। दूसरा टिप है कि सब्जी का कितना साइज होना चाहिए। जैसे ही बीटरूट और शलगम गोल्फ बॉल के साइज में बढ़ते हैं तो उनको निकाल देना सही है, लेकिन उनको टेनिस बॉल के साइज से ऊपर बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि छोटे और नरम रूट्स ही टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं। अब ये सवाल मन में आएगा कि ये सब्जियां तो जमीन के नीचे होती हैं, तो कैसे इसका साइज पता कर सकते हैं? इन सब का उत्तर आने वाले टिप्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी हरी पत्तियां भी पकाकर खाई जा सकती हैं और सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। जब रूट्स यानी जड़ों की सब्जियों की बात आती है, याद रखे छोटा रूट अच्छा टेस्ट देता है। यदि आप लालची बन जाते हैं और इन सब्जियों को लंबा समय तक छोड़ देते हैं, तो वो सख्त और कड़वे हो जाते हैं। तो अब ये सवाल आता है कि हम कैसे मालूम करें कि कौन सा रूट बड़ा हो चुका है और कब इसको निकालना है, है ना? बस आप इस हरी पत्तियों को देखें और ये याद रखें कि जब पत्तियां डार्क ग्रीन यानी गहरा हरा रंग हो और इसके स्टेम मोटे हो जाएं, तो ये इन प्लांट्स के रूट्स भी बड़े हो चुके हैं। अब आप इन सब्जियों को हार्वेस्ट कर सकते हैं। और एक टिप है कि जब बीट्स, गाजर और मूली कम्प्लीटली ग्रो हो चुके हो, तो मिट्टी से थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं। कभी कभी आप खींचने से पहले मिट्टी को हटाकर देख सकते हैं कि उनकी मोटाई यानी उनका ऊपर वाला भाग एक क्राउन के जैसा होगा। बीज के पैकेट्स जो आते हैं, उन पर भी डेट्स यानी तारीख होती है, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कब इसको हार्वेस्ट करें। आमतौर पर 40 से 60 दिन तक ये पक जाते हैं यानी राइप हो जाते हैं। अगर आपने सीड्स को बहुत नजदीक बोया है तो इनमें कंजेशन यानी तंगी होगी, तो आप छोटे रूट्स जैसे कैरेट्स या रेडिश को निकाल दें ताकि दूसरे अच्छे साइज में ग्रो हो सके। जब प्याज और लहसुन की बात करें, प्याज की फसल को निकाल सकते हैं जब उनके पत्तियां पीली हो गई हों या मुड़ गए हों। अगर आप प्याज को स्टोर करना है तो आप मिट्टी में पानी मत डालें, पानी डालना बंद कर दें और फिर इसको हार्वेस्ट करें। प्याज की पत्तियां भी बहुत अच्छी होती हैं, तो इसको आप काटकर कोई भी आप फेवरेट डिश भी बना सकती हैं। पोटैटोस यानी आलू बनने में लंबा समय लग जाता है, लगभग 10 से 12 हफ्ते। जब ये प्लांट्स में फ्लावरिंग आ जाते हैं तो समझिए कि आपके आलू सही साइज में बढ़ चुके हैं। तो ये रहा मेरे दोस्तों एक छोटा सा एपिसोड जड़ों वाली सब्जियों के बारे में। आपके पास भी कोई टिप्स हो तो आप शेयर करें इस कमेंट बॉक्स पर, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हैप्पी गार्डनिंग।